इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को अगले हफ्ते का जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेंड रहेगा, जो 17 से 21 अगस्त तक रहेगा, 17 से 21 अगस्त या 17 से 21 अगस्त तक का जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेंड रहेगा, उसको हमारा जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन सॉफ्टवेयर को यूज करके एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो 14 अगस्त का हमारा प्रोजेक्शंस था कि आज ट्रेंड रिवर्स होगा ज्ञान के मेथड के ऊपर में, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन सबसे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट है वो बताना चाहता हूँ, एंड उसके बाद में मैं ये सब्जेक्ट आपका डिस्कशन करूंगा। पिछले हफ्ते भी क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी देखेंगे। मेरा पहला जो अनाउंसमेंट है, हमारा एक 3 सितंबर से एक 8 दिन का, एक महीने का एक्चुअली, 8 सेशंस का, 8 सेशन विथ लाइव मार्केट का डिस्कशन का एक 5 मॉड्यूल का कोर्स होने वाला है। एंड ये जो कोर्स होगा उसमें आप WD GANs के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऑप्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप फिबोनाची का सीखेंगे, डिक्स को कैसे यूज करें उसके बारे में सीखेंगे। एंड इसका जो फी अभी रखा गया है 1200 रुपया, एंड हर 25 सीट बुक होने से इसका इंक्रीमेंट किया जा रहा है 200 रुपया। अगर आप इस में रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड उसमें 75 सीट तक का ये फी रहेगा, उसके बाद में फिर रिविजन आएंगे। तो अगर ये प्रोग्राम्स आप सोचते हैं कि हाँ ये मेरा काम का रहेगा, मैं इसको काम पे लगा सकता हूँ, ये बेनिफिटियल रहेगा, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा, जो हमारा जितने भी कोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर्स है, इस इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, इसमें जो सारे सॉफ्टवेयर्स एंड कोर्सेस का 35,000 का वैल्यू आता है, उसको एक डिस्काउंट में 16,040 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें भी ये ऑफर में इसको ले सकते हैं। ये प्योरली डिपेंड करता है आप अपने जो ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए कितना स्पेंड करना चाहते हैं। एंड हर वक्त मैं ये बोलता हूँ, हर वीडियो में ये बोलता हूँ, अगर आप स्मार्ट फाइनेंस के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब का जो सब्सक्राइब बटन देखिए, नहीं तो हम जो हमारा हमारा ट्विटर फेसबुक के जरिए में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसमें फायदा क्या होता है, जैसे ये ट्वीट आप देखें, मैं 12 अगस्त को बोला कि हाँ 14 अगस्त में एक मेजर ट्रेंड चेंज होने वाला है आज पर ज्ञान कैलकुलेशन, ये वीडियो रिलीज हुआ था 2 दिन पहले ही आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन दिए गए। उसके बाद में बहुत सारा ऐसे आता है, विक्स को लेके क्या क्या हुआ होता है, कुछ ना कुछ जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है उसको दिया जाता है। यहाँ पे जेड स्कोर से एक पेयर ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ये भी मैंने बताया था। तो ये सारे जो चीज है, जो भी ट्रेडर्स लोग इसमें कुछ मुनाफा करते हैं या करते हैं, उनका जो भी ओपिनियंस आता है वो भी डालते हैं। ये क्राउडेड इंफॉर्मेशन नहीं होता है, कभी कभार 7-8 दिन में एक दो ट्वीट्स आ जाता है। इतना भी मैं रेगुलरली हर रोज 10-10, 15-15 ट्वीट्स ऐसे नहीं डालता। तो इसी तरह से फेसबुक का जो कम्युनिटी, जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी टैब है, उसमें ये इंफॉर्मेशन डाला जाता है 14 अगस्त में ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आप जब जुड़े रहेंगे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो ये एक मेरा अनुरोध है, अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन वैल्यू आपके लिए रखता है, आप सोचते हैं कि हाँ ये मेरा कोई काम का रहेगा, तब तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अननेसेसरली अगर आप डिस्टर्ब हो तो इसमें सब्सक्राइब करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेरा ये अनुरोध रहेगा, अगर आप मार्केट का जो सही मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है वो चाहते हैं, उसके ऊपर में बिलीव करते हैं, तब जाके इसमें आप कीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था क्यों ये एनिवर्सरी डेट का कॉन्सेप्ट में क्यों होगा, तो इसके ऊपर में भी बहुत चर्चा हुआ था वो वीडियो में, एंड वो आज सही से काम किया। तो जो ये तो हो गया अनाउंसमेंट के बाद में, पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेंड निकाल के दिए थे, इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है 10 से 14 अगस्त तक, ये कैसे काम किया देखते हैं। बैंक निफ्टी का ये लेवल्स निकाल के दिया गया था, आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे आपके प्राइसेस हैं,
वो वीडियो में भी वही देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या रहा मूवमेंट्स, वो थोड़ा देख लेते हैं। ये जो पिछले 7 दिन में बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट्स रहे उसको थोड़ा देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आ रहा है 22,444 तक गया, 21,436 आज का लो बना, एंड ये सारे लोज एंड हाईज बने। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 22,446 का जो वैल्यू है, 446 के जो वैल्यू है आप अभी देख रहे हैं, 444 का 42, 22,444, 22,444 यहां तक आया। तो ये जो कलर्ड वाला जोन, हर वक्त मैं बोलता हूँ यहां से रिवर्सल होगा, यहां तक आया तो जस्ट 2 पॉइंट में इसका ऑसिलेशन है, डाउन की तरफ तो आया ही नहीं। तो 480 में इसका, हमारा 21,480 में इसका डाउन ट्रेंड होता था। तो आज का, आज जो फ्राइडे हुआ, आज 436 तक आया, तो ये आज का दिन का लास्ट डे का था एंड कल ही इसका हाई आ गया था। तो अभी ये था बैंक निफ्टी। निफ्टी का क्या हुआ वो देखते हैं। निफ्टी का अगर जो एनालिसिस तो पहले हो चुका था, आज का हाई बना 11,397.7, जो इस हफ्ते का हाई था। एंड अगर आप हमारे कैलकुलेशन के साथ में कंपेयर करें, 11,386 इसका ऊपर में गया एंड यहीं से रिवर्सल हुए, 5-10 पॉइंट ऊपर गया उसमें रिवर्सल हुए, 11,111 आया। एंड ये कोई भी हमारा कैलकुलेशन के साथ में मेल नहीं खाता। तो जो हाईस के बेसिस में इस हफ्ते परफेक्टली ये लेवल्स अचीव किए। अभी चलते हैं अगले हफ्ते क्या होने वाला है उसको जानने के लिए। यहाँ पे हमारा वन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सॉफ्टवेयर है उसी को यूज करके मैं ये कर रहा हूं। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका कॉस्ट होता है 6,500 रुपया 1 साल का। ये बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है एक ट्रेडर के लिए, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। आप उसको मोबाइल पे डाल सकते हैं, डेस्कटॉप में डाल सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी चाहिए। जो कैलकुलेशन आप बना रहे हैं उसको मार्केट माने, आप मान लिए तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगले हफ्ते का जो कैलकुलेशंस निकल रहे हैं ये बता रहा है 21,967 के ऊपर में अप ट्रेंड रहेगा बैंक निफ्टी में। ये यहाँ पे हर्डल्स 22,152 एंड 22,283, यहाँ पे इसका हर्डल फाइंड करेगा। ये अगर हर्डल क्रॉस कर जाता है 22,900 तक जा सकता है। उसी तरह से 21,370 के नीचे में इसमें मंदी आएगी एंड ये आपको 21,054 तक ले सकता है। ये भी हर्डल जोन है, ये सपोर्ट अगर वायलेट करता है तो डाउनसाइड में बड़ा टारगेट आएगा। यहाँ पे भी हम लोग बता रहे हैं 0.382 में इसमें बैंक निफ्टी में एंट्री करो, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है। एंड सभी ट्रेड को मैं हेजिंग करने के लिए हर वक्त आपको रेकमेंड करता हूँ। तो हेजिंग कैसे करें, अगर आप 22,967 में इसको खरीदते हैं तो 21,967 में अगर ये बैंक निफ्टी को खरीदते हैं तो आप एक 22,000 का पुट ले लीजिए, पुट भी खरीद लीजिए इसके साथ। तो ये सिंपल हेजिंग हो गया। राइटिंग कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो करते हैं उनका बात अलग, उनको एडवांस कॉन्सेप्ट पता है। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते वो लोग इसे कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे अगर खरीदते हैं 21,967 में तो 22,000 का एक पुट ले लीजिए। अगर आप बेचते हैं यहाँ पे 21,370 में तो एक कॉल ले लीजिए 21,400 का। तो जब ट्रेंड बदलेगा, यानी कि यहाँ से अगर आपने बेच दिया ट्रेंड बदल गया, तो जब 21,967 में ही आपको एंट्री लेना है जो बाई करना है तो तब तक आप वेट कर सकते हैं। हेजिंग तो है ही, जब वो अगर ट्रेंड के बीच में है तो कुछ करना नहीं है आपको। अगर वो ट्रेंड बदल गया, अब ट्रेंड में एंट्री हो गया, तब आप जाके वो जो सेल वाला ट्रेड में स्टॉप जो हेल्प जो लॉस बुक कर लीजिए। हेजिंग से 60-70% का लॉस रिकवर हो जाएगा एंड बाकी का ट्रेड बदल दीजिए, बाई कर लीजिए। ये था आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी का जो है इसमें, निफ्टी का जो है अभी इसको देखते हैं, निफ्टी अगले हफ्ते में क्या देने वाला है। तो निफ्टी मैंने टाइप किया, डाटा लोड किया एंड ये डाटा लोड होने के बाद में यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये कैलकुलेशंस निकल रहा है 11,246 में, 11,211
11246 के ऊपर में अप ट्रेंड बनता है, क्योंकि ये निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए अलग। तो ये अगर 342 एंड 385 में हडल फाइंड करेगा, अगर ये नीचे के तरफ में 11126 के नीचे में कभी भी जाता है 17 से 21 के बीच में, ये इंट्राडे लेवल नहीं है, तो ये डाउन ट्रेंड में जाएगा 11029 एंड 10987 तक आ सकता है। अगर आप यहाँ पे खरीदते हैं तो हेजिंग एक जरूरी है, 11250 का एक पुट ऑप्शंस भी ले लीजिए। अगर यहाँ पे आप बेचते हैं 11126 में तो एक कॉल ऑप्शन भी, 11150 का कॉल ऑप्शन भी एक ले लीजिए, बाई कर लीजिए, उसके साथ में हेजिंग बन जाएगा। एंड ये लेवल्स जो है यहाँ पे रिवर्सल होने का चांसेस है, मल्टीपल लॉट है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मल्टीपल लॉट नहीं है तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर ये पेनिट्रेट करता है तो बड़ा टारगेट, तो यही चीज को देख के अगर आप चलें तो आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा जो वीकली ट्रेड्स में। तो ये लेवल्स को फॉलो कीजिए, दो हफ्ते का मैं पिछले दो हफ्ते का आपको वीडियो मिल जाएगा, ये हफ्ते भी फॉलो कीजिए, एक महीना फॉलो कीजिए, अगर उसके बाद में आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। एंड जो मैंने बताया 6500 का आता है, अगर ये लेवल्स आपको अच्छा लगता है या एनालिसिस अच्छा लगता है तो ये वीडियो में एक लाइक। एंड और एक क्वेश्चन था, ये जो 14 अगस्त में जो ट्रेंड बदला, कुछ लोग प्राइसिंग के बारे में पूछे थे कि प्राइस कहां तक जाएगा। तो पिछले बार जो एनिवर्सरी डेट में ट्रेंड चेंज हुआ था वो एक 318 डिग्री का एक सीक्वेंस बैठाया था, 318 डिग्री का एक सीक्वेंस बैठाया था जिसको स्क्वायरिंग बोलते हैं ज्ञान के भाषा में, तो ज्ञान के लैंग्वेज में उसको स्क्वायरिंग बताते हैं। तो उसी को जो स्मॉलेस्ट स्क्वायरिंग वाला साइकिल है उसको मैं पकड़ूं तो 11022 तक क्या आ सकता है। अगर दूसरा लार्ज साइकिल को मैं पकड़ूं जो हाई से लो, पिछले बार जो हाई बना था जो लो बना था, तो उसको अगर मैं पकड़ूं तो वो 708 डिग्री का था, इसलिए 10572 तक आ सकता है अगर बड़ा करेक्शन हुआ तो, लार्ज साइकिल। छोटा करेक्शन हुआ तो 11022 में ये इसका करेक्शन का एंड होने का जो एक एक्सपेक्टेशन बनता है। तो इसका प्राइसिंग एस्टिमेट भी हो सकता है, ये स्क्वायरिंग हो या ज्ञान का हो उसको पढ़ने से ही आपको पता चलेगा, ये छोटे छोटे वीडियोस में उसको आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप ज्ञान इंटरेस्ट रखते हैं तो ज्ञान के बुक ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है स्क्वायरिंग, प्राइस विथ प्राइस, ये क्या है स्क्वायरिंग, कैसे करें। तो 8 चैप्टर का एक छोटा सा बुक है, इसको आप ले सकते हैं, मेरा लिखा हुआ है, इसका ई बुक भी है, इसको भी आप ले सकते हैं। ज्ञान का कोर्स भी मिलता है पूरा वीडियो के साथ में, वो भी 2500 में आता है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं इसी के साथ में ये वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, आशा करता हूं कि आप इसको शेयर करें अपने दोस्त लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।